आजकल अगर खबरों में कुछ छाया हुआ है तो खेसारी लाल यादव के बाद पवन सिंह पर हुए हमले की खबर। लेकिन आपको बता दें कि ये खबर सरासर गलत है। जी हाँ, पवन सिंह पर हुए हमले की खबर पूरी तरह से अफवाह और गलत है। खुद इसकी पुष्टि पवन सिंह ने अपने फैंस के द्वारा करवाई है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिला बक्सर के डुमराव गांव में जहां पवन सिंह गए थे स्टेज शो करने के लिए छठ पूजा, इस मौके पर बताया जा रहा था कि पवन सिंह पर जानलेवा हमला हुआ और स्टेज शो को बीच में ही रोककर पवन सिंह की सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें वहां से निकाल दिया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि ये सारी अफवाहें गलत हैं, क्योंकि इसकी पुष्टि खुद पवन सिंह ने अपने एक फैंस के द्वारा करवाई है कि ये सब कुछ सरासर गलत है। हाँ, ये बात है कि वो डुभाव गए हुए थे, वहाँ का उनका स्टेज शो बहुत सफल रहा। लेकिन फिर पवन सिंह बक्सर से सीधा बनारस पहुंच गए अपने फिल्म बॉस की शूटिंग करने, जो कि इन दिनों बनारस में ही चल रही है और इन दिनों पवन सिंह बनारस में ही मौजूद हैं। तो यकीन है आपको अब भरोसा हो गया होगा कि पवन सिंह सकुशल और सुरक्षित हैं और उनके स्टेज शो पर ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी जिसकी अफवाह आजकल मीडिया में फैलाई जा रही है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।